हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीके का पेज नंबर 8 रीड करेंगे, जिसका टॉपिक है आर सिटीज। रीड द क्लूज अबाउट सम सिटीज ऑफ आर कंट्री। हम यहाँ पर हमारे देश के कुछ शहरों के बारे में कुछ क्लूज पढ़ते हैं। चूज योर आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको इस बॉक्स में से आंसर चूज करना है। देन राइट द करेक्ट लेटर्स इन द सर्किल। और आपको करेक्ट लेटर लिखना है सर्किल में। तो फर्स्ट है, दिस सिटी वॉज फाउंडेड बाई महाराजा जय सिंह सेकेंड इन 1726। इस सिटी की स्थापना महाराजा जय सिंह द्वारा 1726 में की गई थी। फेमसली नोन एज द पिंक सिटी, जो पिंक सिटी के नाम से फेमस है। इट वॉज पेंटेड पिंक टू वेलकम द प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1876। इस सिटी को पिंक पेंट किया गया था वेल्स के राजा के वेलकम के लिए 1876 में। तो वो कौन सी सिटी है? जयपुर। जयपुर का यहाँ पर लेटर कोड कौन सा है? ई। तो हम यहाँ पर ई लिखेंगे। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स हैव लेड मैनी टू कॉल इट द सिटी ऑफ पैलेसेस। यहाँ पर सुंदर पैलेसेस और बिल्डिंग्स के कारण इसे सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। यह कर्नाटका के स्टेट में लोकेट है। तो वे कहाँ हैं? मैसूर। यहाँ पर हम ए लिख देंगे। नेक्स्ट है, बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले दिस सिटी वॉज ए प्रिंसली स्टेट। यह सिटी प्रिंसली स्टेट थी, यानी यहाँ पर राजा के कंट्रोल में सब कुछ रहता था। हर चीज़ को राजा कंट्रोल करता था। द सिंधियाज वर द रूलर्स ऑफ द सिटी। और यहाँ पर सिंधियाज थे, वो भी यहाँ पर शासक थे, इस शहर के शासक थे। तो वो कौन सी जगह है? वो कौन सी सिटी है? ग्वालियर। तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। नेक्स्ट है, ए मेजर सेंटर फॉर द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। एक तकनीकी इंडस्ट्री का यह मेजर सेंटर है। इट इज़ ओफन कॉल्ड साइबराबाद। इसे साइबराबाद भी कहा जाता है। बिरयानी इज़ द वन ऑफ द सिटीज़ मोस्ट पॉपुलर डिश। जो बिरयानी है, इस शहर की बहुत ही पॉपुलर डिश है। तो वह कहाँ पर है? वह कौन सी सिटी है? हैदराबाद। हम यहाँ पर एफ़ लिख देंगे, हैदराबाद। नेक्स्ट है, दिस सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। जो यह सिटी है, वह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट के किनारे दक्षिण तट पर लोकेट है। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यह बहुत बड़ी सिटी है इन नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया की। वो कहाँ है? वो कौन सी सिटी है? वो है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी डी पर है, तो उसका कोड हम यहाँ पर डी लिख देंगे। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश में लोकेट है। इट इज़ फेमस फॉर बीइंग द होम ऑफ द नवाब। यहाँ पर नवाब्स के रहने के कारण ये यहाँ पर जहाँ पर नवाब रहते हैं उसके कारण यह प्रसिद्ध है। तो वह कहाँ है? लखनऊ। उसका कोड है बी। तो हम यहाँ पर बी लिख देंगे। बच्चों, हम नेक्स्ट पेज करेंगे, पेज नंबर 9, जिसका टॉपिक है मनी मैटर्स। इसमें दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए और बी। हम सबसे पहले एक्सरसाइज ए करते हैं। चेक योर अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट करेंसीज इन सर्कुलेशन। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर करेंसीज। इस पेज में कंट्री और करेंसी दी हुई है हमें। जिस कंट्री की जो करेंसी है वो मैच करके सामने हमें नंबर लगाने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? टका। तो हम यहाँ पर 1 नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट है थाईलैंड। थाईलैंड की करेंसी है बात। हम यहाँ पर 2 नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम की डोंग, यहाँ 3। फिर है नंबर 4 पे मंगोलिया। मंगोलिया की क्या है करेंसी? तुगरिक। तो हम यहाँ पर नंबर 4 लगाएंगे। फिर 5 नंबर है मालदीव्स। मालदीव्स की करेंसी है रुफिया। तो हम यहाँ पर 5 नंबर लगाएंगे। 6 पर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की है रैंड। तो हम यहाँ पर 6 नंबर लगाएंगे। फिर है 7 नंबर पर ईरान। ईरान की है रायल। तो हम यहाँ पर 7 नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट है चाइना। 8 नंबर पर चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। तो हम यहाँ पर 8 नंबर लगाएंगे। 9 पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ पर 9 नंबर।
10 है जापान, जापान की येन, तो यहाँ पर सामने हम 10 नंबर लगाएंगे। फिर है द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स की करेंसी है यूरो, यहाँ पर हम 11 नंबर लगाएंगे। 12 पर है अर्जेंटीना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पेसो, तो यहाँ पर 12 नंबर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज बी, ऑल करेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, जो करेंसी होती हैं वो सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, यानी उनके सिंबल्स दिए होते हैं हर करेंसी के। राइट द नेम ऑफ दिस करेंसी, यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए, आपको उस करेंसी का नेम बताना है, चूज़ फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से चूज़ करके। तो सबसे पहले कौन सी करेंसी है, ये डॉलर। नेक्स्ट किसकी है, कौन सी करेंसी है, पौंड। उसके बाद कौन सी है, यूरो। नेक्स्ट है येन, और लास्ट में है रूपी। यहाँ पर आपको समझ आ गई एक्सरसाइज में, करेंसी है उसके सिंबल है, और सिंबल देखकर हमें करेंसी का नेम लिखना है। थैंक यू।